अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विद मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक गेस्ट हैं, उनका नाम है मिस्टर नूर खान और वो हैं डायरेक्टर लॉन्ड्री अप्लायंसेस हायर। और उन्होंने हमारे लिए, हम औरतों के लिए ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉन्ड्री अप्लायंसेज इन आर हाउस, यानी कि वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जो भी सारी फीचर्स हैं वो उनसे हम पूछेंगे। आप देख सकते हैं हमारे शो पे, हमारे सेट पे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हायर का है, सो उसके बारे में मैं उनसे बहुत सारी बातें आज करूँगी। तो देखते रहिएगा हमारा शो। हम बनाएंगे आज डबल चॉकलेट पुडिंग एंड बेक फिश। सो करते हैं उनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। और यकीनन दैट वाज अ वेरी वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ मी। यकीनन हायर एक वाहिद ब्रांड है जिसने औरतों की, पाकिस्तानी औरतों की जो जिंदगियां हैं वो बड़ी आसान कर दी हैं ताकि उनको लाइफ को एंजॉय करने का टाइम मिले। और 2013 में हायर ने पहली दफ़ा फुली ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक नीड थी और कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी इस प्रोडक्ट की कि उनकी ज़िंदगियों में, पहले लोग वॉशिंग करते थे हाथ से या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से, लेकिन जब से हायर ने इस प्रॉब्लम को कि जो औरत कपड़े धोती है तो उसको एक बड़े हैक्टिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पूरा दिन उसके अंदर स्पेंड हो जाता है, तो जिससे हायर ने इनिशिएट किया 2013 में और फुली ऑटोमेटिक को लोकलाइज किया ताकि एक सस्ता अफोर्डेबल लॉन्ड्री सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके कस्टमर को। ओके, वी नॉर्मली हियर ऑफ वॉशिंग मशीन्स जो फ्रंट लोड होते हैं, टॉप लोड होते हैं, व्हाट वुड यू रेकमेंड? एक्चुअली पुराने ज़माने में अगर रिकॉल कर लें कि पुराने ज़माने में लोग धोबी पटका, आपने सुना होगा, धोबी के पास कपड़े लेके जाते थे और वहाँ उनको इत्मीनान तभी होता था सफाई का कि वो धोबी पटके से धुलवा सकें, तो जब वो उनको कपड़े देते थे तो वो क्या करते थे कि ऊपर से पटाखे मारते थे ताकि उसको अच्छी तरह उसका जो मैल है वो निकल सके। तो यही लॉजिक हमने फ्रंट लोड के अंदर इंट्रोड्यूस किया और वही लॉजिक है कि जितनी ऊंचाई से कपड़े गिरते हैं उतनी अच्छी सफाई, एफिशिएंट धुलाई होती है उसकी, तो यही लॉजिक है फ्रंट लोड का। और फ्रंट लोड इज़ द बेस्ट वॉशिंग मशीन के उसके अंदर ना सिर्फ पानी की बचत है बल्कि उसके अंदर बिजली की भी बचत है, वो नाइस कंट्रोल भी है उसके अंदर, और द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ वॉशिंग इज एक्चुअली। पानी की तो काफ़ी किल्लत है हमारे शहर में, कराची में, सो एक्चुअली यस, पानी जहाँ पे फ्रंट लोड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, जहाँ पे किल्लत है वहाँ पे फ्रंट लोड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो तमाम सारिफीन जिनको पानी का मसला है, वाटर प्रेशर का इशू है या पानी की किल्लत है, सो दे कैन बाय दिस वॉशिंग मशीन एंड दे कैन सेव वाटर बाय यूजिंग इट। एंड और उसके अंदर जो एक तो पानी की बचत है, एक बिजली की भी बचत है, इट्स द मोस्ट एफिशिएंट वॉशिंग सॉल्यूशन एक्चुअली। ओके, सो डू यू लाइक टू कुक? या, समटाइम्स यू लाइक टू कुक? गुड, आई लाइक गेस्ट हु लाइक टू कुक। तो मैं फिर आज अरेस्ट करूं और आप कुकिंग कर लेंगे? नॉट रियली, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, सो बिकॉज ये कुकिंग शो है, हमें कुकिंग की तरफ चलना है। बेक फिश है जो हम हायर के बिल्टन अवन में आज बनाएंगे, सो ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट मैरिनेट द फिश और वो हम सब कुछ मैं रख दूंगी। आई कैन हेल्प यू विद दैट। चलिए, हेल्प कर लीजिएगा। ओके जी, तो अब नूर साहब को मैं किचन की तरफ लेके ही आ गई। मैंने कहा चलें आप ज़रा आइए, मुझे हेल्प करिए किचन में। सो नूर साहब, आज मैं बेक फिश बना रही हूँ। आई होप यू लाइक बेक फिश। फिश फिले हैं, कांटा चमड़ा निकाल के फिश में सब मैरिनेशन की सारी चीज़ें हैं, सब कुछ लगा के हायर के बिल्टन अवन में हम रख देंगे। सो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ मैंने हायर का बिल्टन अवन प्री हीट किया हुआ है, ठीक है। रैक हमारा सेंटर शेल्फ पे है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बिल्टन अवन है, बिकॉज ये जो है ये कांच निकाल के आप इसको साफ भी कर सकते हैं, क्लियर कांच है बिल्कुल, यू कैन एग्जैक्टली सी क्या चीज़ें बेक हो रही हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं, यहाँ टाइमर है, और ये जो है ना, ये मुझे फीचर्स बहुत अच्छे लगे हायर के बिल्टन अवन के, जो कि है ये नीचे का अवन, ऊपर नीचे का, फैन के साथ, फैन के बगैर ग्रिल, दिस इज रियली वेरी गुड फॉर बेकिंग। जो भी आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे सिर्फ नीचे का, मैंने नीचे का ये फीचर ऑन रखा हुआ है, सो दैट्स दैट।
सो मछली है, मक्खन है, ठीक है, लेमन जूस है, लहसुन का पाउडर है, नमक है, केपर्स हैं, केपर्स नहीं हो आप ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम लगा के रख देंगे इन माय डिश देयर. इफ़ यू कैन पास मी दैट कांच का डिश दैट वुड बी नाइस. थैंक यू. यहाँ रख देंगे. चलो अच्छा. सो यहाँ मैं बोल में सारी चीज़ें रख देती हूँ. सो देयर लहसुन का पाउडर, देयर ऑरिगैनो, लाल मिर्चों का पाउडर, ओके, और लेमन जूस. इस फिश को मैरिनेट करके आप रख दीजिए और जब खाना हो उससे 10 मिनट पहले फायर के बिल्टन ओवन में रख दीजिए. एंड योर डिनर इज़ डन. सैलड के साथ, क्रस्टी ब्रेड के साथ सर्व कर दीजिए. ठीक है, इस तरह लेमन स्क्वीज़र के साथ कर देते हैं ताकि तो पिप्स नहीं अंदर आए. वंडरफुल. ये हो गया. अब व्हाट आई विल डू इज यू कैन टेक माय हेल्प. अच्छा, आई विल. आई एम हियर टू हेल्प यू. मैं वो अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगी नहीं, सो डोंट वरी. ओके, नमक डाला मैंने और यहाँ हम इसमें मक्खन डालेंगे. ठीक है, ये मैंने यूज किया है पीला वाला मक्खन, द सॉल्टेड मक्खन. ये हो गया और हर चीज़ मिक्स कर दीजिए. ओके, ये देखें मिक्स नहीं हो रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज हायर्स माइक्रोवेव, बिल्टन माइक्रोवेव. बिल्टन माइक्रोवेव, दैट्स ग्रेट. या ग्रेट. तो इससे क्या होगा कि जो बटर है मक्खन वो पिघल जाएगा, मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और फिर आराम से हम फिश पे लगा देंगे. फिश पे लगा देंगे. दैट वुड बी इजी टू मैरिनेट द फिश. क्या बात है. इट टुक लाइक 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, समथिंग. या समथिंग लाइक दैट. ये देखें हो गया, मिक्स कर दीजिए. एंड फिश के पीसेस हम रख देते हैं जिस भी डिश में आपको इसको बेक करना है. सो तो ये वाइड ओपन होना चाहिए ताकि अच्छी तरह मसाला लग सके पीसेस को. या पायरेक्स का डिश ले लीजिए जो ओवन में जाए. आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, देसी या नॉन देसी या व्हाट? ऑर्गेनिक ज़्यादातर मुझे. ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक पसंद है. ओके. और क्योंकि नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फिश जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत डिलीशियस होगा. जो मसाले स्पाइसेस आपने ऐड कर दिए हैं तो यकीनन ये इसका बड़ा मज़ा आने लगा. सिंपल, इट्स सो सिंपल ना. आप मैरिनेट करके रख दीजिए एंड ये थोड़ी देर में बेक हो जाएगा. कितने कितने टाइम के लिए हम इसको मैरिनेट कर सकते हैं? फिश को ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं. चाहिए नहीं. चाहिए नहीं. दीज आर केपर्स. अगर आपके पास केपर्स हैं केपर्स डाल दीजिए, नहीं है तो आप ऑलिव्स डाल दीजिए. एंड दिस इज़ रेडी टू गो. आप इसको मैरिनेट करके 15 मिनट रखें, 20 मिनट रखें. फिश को हम एक दो दिन नहीं रखते हैं मैरिनेट करके. कुछ लोग तो मैंने सुना है कि कुछ लोग इसको कई दिन तक मैरिनेट करते हैं और फिर पकाते हैं, तो वो उससे उसकी जो अफादियत है फिश की वो ख़त्म नहीं हो जाती? आई वुडंट मैरिनेट फिश. मीट यस, चिकन यस, फिश को मैरिनेशन का टाइम चाहिए ही नहीं. चाहिए ही नहीं. चाहिए ही नहीं. एंड ये कितने पतले से फिले हैं कांटा चमड़ा निकाल के. सो हियर गोज आवर बेक फिश. हियर इट गोज. एंड और ये हो जाएगा थोड़ी देर में. कितने टाइम में इसको? 10 मिनट्स के बाद चेक कर लेंगे. इफ आई फील कि एक तरफ से हो गया है तो उसको टर्न कर दूंगी, नहीं हो गया है तो देन इट्स फाइन. बिकॉज बहुत पतले पार्चे हैं, बहुत ही पतले हैं. क्या बात. सो टेल अस मोर अबाउट दिस फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. यस, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. देखें, हायर पाकिस्तान में जैसा कि आप जानती हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हायर पाकिस्तान में लॉन्ड्री अप्लाइंसेज इंडस्ट्री को लीड कर रहा है. और बैक इन 2013 जैसे कि मैंने बताया कि हायर ने इनिशिएट किया, वो वाहिद ब्रांड है हायर पाकिस्तान का जो जिसने फुली ऑटोमेटिक को लोकलाइज़ किया और एक अफोर्डेबल वॉशिंग सॉल्यूशन दिया कि जिससे लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ आ सकें और लोग जो घरेलू ख़वातीन हैं हमारी वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकें. तो और इसके अलावा जो हायर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो वॉशिंग मशीन कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं वो सेमी ऑटोमेटिक स्पिनर है, वॉशर्स हैं, इसके अंदर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन हैं,
और हमारे पास फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स भी हैं, तो हमारे पास हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। इज द ड्रायर आल्सो इंक्लूडेड? इसी में ड्राई भी हो जाते हैं? इसमें स्पिनिंग बट और स्पिनिंग एफिशिएंसी इज वेरी मच गुड, जिससे क्या होता है कि जो 99.9% मॉइस्चर है वो कपड़े में से ड्रेन आउट हो जाता है, और जिससे बेहतरीन जो स्पिनिंग है वो हो सकती, यानी कि ड्राइंग हो सकती है। और जो हमारी आसानियों के हवाले से मैं बता दूं कि जो टॉप लोडिंग कैटेगरी थी वो सेमी ऑटोमेटिक के जितने भी यूज़र्स थे उनको हमने ये आसान एक हल दिया लॉन्ड्री का, जिससे वो इजीली शिफ्ट हो सकते हैं टॉप लोडिंग कैटेगरी में, जो कि वन टच सॉल्यूशन के तहत चलती है। और हमने ये वन टच सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया बैक इन 2013, जिससे क्या हुआ कि जो एक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन थी वो आई ज़बरदस्त, क्योंकि लोग आसानियाँ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जिससे जो वॉशिंग हैबिट्स थे लोगों के वो चेंज हो गए हैं काफ़ी हद तक, और वन टच सॉल्यूशन इज़ नाउ द लीडिंग यू नो ब्रांड इन पाकिस्तान एक्चुअली। गुड, ओके। जब तक हमारी फ़िश बेक हो रही है, वाई नॉट स्टार्ट विद द पुडिंग ऑल्सो, ठीक है? श्योर। पुडिंग के लिए मैं बता दूँ कि क्या करना है। देखिए, मेरे पास यहाँ पिसी हुई चीनी है, कोको पाउडर है, चॉकलेट है, कॉर्नफ्लावर है, नमक है, दूध है, और ये तो चॉकलेट के डेकोरेशन है विच विल गो ऑन टॉप। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सॉस पैन में सारी चीज़ें पकानी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा एंड मिस्टर नूर खान यर। ओके, सो पहली रेसिपी हमने जो रखी थी अवन में, हायर के बिल्ट इन अवन में, देखें जी, द फिश इज रेडी, वाओ, डन, ठीक है। अब जस्ट अनदर मिनट और फिर मैं उसको निकाल दूंगी और हम प्लेटर पे रख देंगे। मगर हमें मीठा भी तो बनाना है, बिकॉज मेरे हर शो में मीठा तो होता ही है, बिकॉज आई हैव अ बिग स्वीट टूथ। सो आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी सिंपल डबल चॉकलेट पुडिंग, ठीक है? ये पुडिंग आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि वो मिक्सेस, जो हम पुडिंग मिक्सेस घर लाते हैं, वो आप भूल जाएंगे। तो ट्राई करिएगा, बनाइएगा। हर चीज़ आपने एक दफ़ा डाल देनी है पैन में और पका लेना है, एज सिंपल एज दैट। सो वी हैव गॉट सम चॉकलेट, अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट यूज़ करिए। चॉकलेट चली गई, चॉकलेट, पिसी हुई चीनी है ये, चीनी, या और विस्क का इस्तेमाल हम करेंगे, बिकॉज जब भी हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं वाटर या दूध में तो क्या होता है? यस यस, यू विल, अभी तक रुके ना, मैं आपसे कराती हूँ काम। तो विस्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि लम्ब्स ना रहे, ठीक है? ओके, सो हम मक्खन डालेंगे, मक्खन, या जस्ट अबाउट टेबल स्पून जितना। फिर ये है वनीला एसेंस, एसेंस, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, नमक, सॉल्ट, या और ये है कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर, स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए आराम से सब कुछ बोल्स में से निकल जाता है। एंड वी गॉट कोको पाउडर, ठीक है? ये सारी ड्राई चीज़ें हो गई, अब हम इसमें डालेंगे दूध, दूध, या कितना? टू कप्स। हायर का हम हॉब यूज कर रहे हैं, यस, थ्री बर्नर्स इन अ रो, साइड बाय साइड, ब्रास के बर्नर्स हैं, स्मार्ट एंड सेफ हॉब। और हर एपिसोड में मैंने चूल्हा तो इस्तेमाल किया ही है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यूज्ड टू हो गए होंगे, जो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह ये स्मार्ट है, सेफ है, टेम्पर्ड कांच है ये, कोई शक नहीं इसमें। मीनवाइल यहाँ मैं फिश को निकाल देती हूँ ओवन में से, पतले पार्चे थे तो वी डिडंट इवन हैव टू टर्न इट, देखें इट्स डन। आप थक तो नहीं गए? बड़ी, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, एंड बड़ी खुशबू आ रही है जो फिश आपने बनाई है ऑलरेडी, मेरा तो उसमें कोई कमाल नहीं है जी। आप हमें टेस्ट कराइएगा फिर बाद जी में। जी ज़रूर, कुछ डेकोरेशन ही मेरे पास हैं, पहले हमें इसको ठंडा करना है। दैट्स वाई मैंने क्या किया कि मैंने इस पुडिंग को यहाँ चूल्हे पे रख दिया ताकि ये जल्दी से पक जाए, ठंडा हो जाए। और मैंने यहाँ क्लिंग फिल्म रखी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, जब ये पुडिंग हम निकालेंगे ना, इस पुडिंग के ऊपर एक दूध की फिल्म बन जाती है। सो टू प्रिवेंट दैट, इस पुडिंग के ऊपर डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द पुडिंग आई विल पुट अ क्लिंग फिल्म, नॉट ऑन द पैन, ऑन द पुडिंग, ऑन द पुडिंग, या सो इसको हमें अच्छी तरह विस्क करना है कंटिन्यूसली। पुडिंग मेरा रेडी हो गया, क्या बात है, गाढ़ा भी हो गया, रेडी भी हो गया, देखा आपने
डन, अब ये बहुत गर्म है सो आई कांट गिव इट टू यू टू टेस्ट. और एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई थी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ इसको हम यहाँ निकाल के रख देंगे, ठीक है, और इस पर हम डायरेक्टली क्लिंग लगाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हायर के फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए. तो फिर मैं उसको मैं फ्रीज़र में रखना चाह रही हूँ आज ताकि जल्दी से हो जाए. क्या बात, एकदम झटपट, बिकॉज वी हैव लेस टाइम ऑन द शो. सो आई वॉन्ट के जब तक हमारा शो एंड हो ये ठंडा भी हो जाए. देखा आपने, गाढ़ा सा मज़ेदार सा चॉकलेट पुडिंग, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा. वैसे मेरे जैसे बड़े बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा. आई लव चॉकलेट, आई एम अ चॉकोहॉलिक, सो मुझे तो चॉकलेट के डिज़र्ट्स बहुत ही पसंद है. ओके, ये हो गया. नाउ वी टेक सम क्लिंग. ये करना बहुत ज़रूरी है ये स्टेप, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो दैट विल इंश्योर कि जो मिल्क का एक ऊपर तह सी जम जाती है ना, वो नहीं होगी. अच्छा, क्या वो वाइट वाइट सी तह या एग्जैक्टली. सो यू टेक द क्लिंग एंड यू पुट इट डायरेक्टली इनसाइड, ठीक है, हॉट कस्टर्ड के ऊपर आपने इस तरह इसको रख दिया. ये हो गया. अब इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, हायर के रेफ्रिजरेटर वाले फ्रीजर वाले पास में, जल्दी से ठंडा हो जाएगा. अच्छा. और तब तक मैं फिश निकाल देती हूँ. ठीक है, वी गॉट अ लवली फिश शेप्ड प्लेटर हियर. फिश भी हो गई हमारी. बटर नहीं यूज़ करना है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा कम यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट. ओके जी, जब तक मैं यहाँ फिश को रख रही हूँ प्लेटर पे, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी. बेक्ड फिश अज्जा, फिश फिले आधा किलो, पिघला मक्खन 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, किपर्स 2 खाने के चमचे, ड्राइड ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1/8 चाय का चमचा. तरकीब, मक्खन, लीमू का रस, गार्लिक पाउडर और नमक को मिक्स करके फिश फिले पर लगाएं. अब इस पर किपर्स, ओरिगानो और पेपरिका छिड़कें और 10 से 15 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके सर्व कर दें. डबल चॉकलेट पुडिंग अज्जा, पिसी चीनी 1/3 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, दूध 2 कप, कटी चॉकलेट 4 औंस, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, अनसॉल्टेड बटर 1 खाने के चमचा. तरकीब, पिसी चीनी, कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर और नमक को एक भारी सॉस पैन में डाल के यकजा कर लें. अब सॉस पैन को दरमियानी आँच पर रख कर पकाएं, फिर इसमें दूध शामिल करके चीनी वाले अमेजे के साथ विस्क करें, फिर इसमें बचा हुआ दूध शामिल करके मुसलसल चमचा चलाएं और पका लें. अब आमेजे को 3 से 5 मिनट या गाढ़ा होने तक पकाएं. अब पैन को चूल्हे से हटाकर कटी चॉकलेट, वनीला एसेंस और अनसॉल्टेड बटर शामिल करके स्मूथ होने तक मिलाएं. अब आमेजे को दरमियाने प्याले में डाल के प्लास्टिक की पन्नी से ढकें, फिर इसे फ्रिज में 2 घंटे तक रख दें. हम ब्रेक से वापस आ गए हैं. आई होप नाजरीन आपने ये दोनों रेसिपीज़ नोट की होंगी. बेक फिश इतनी जल्दी हायर के बिल्टन ओवन में बन गई और झटपट मैंने ये पुडिंग भी बनाना आपको सिखा दिया. डबल चॉकलेट पुडिंग, लुक एट द लवली कलर. चॉकलेट का अच्छी चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ बनेगी, राइट. सारे अज्जा आप बेहतरीन इस्तेमाल करें तो एंड प्रोडक्ट आपकी अच्छी रहेगी, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं हायर के प्रोडक्ट्स और हायर के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं. और आप आज के इस एपिसोड में आपने नूर खान साहब से वॉशिंग मशीन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं. आई होप अगर आप देख रहे हैं समथिंग फॉर योर हाउस, समथिंग फॉर योर किचन, सो हायर इज़ द नेम. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इज़ दिट लोकली मेड और इम्पोर्टेड है ये? देखें जी, हमारी जितनी भी वॉशिंग मशीन की प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहे वो स्पिनर हो, वॉशर हो, या सेमी ऑटोमेटिक, या टॉप लोडिंग या फ्रंट लोडिंग, ये तमाम इनका जो 95% है वो यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड है. और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो कस्टमर के लिए ये था कि कस्टमर को एक अफोर्डेबल वॉशिंग सोल्यूशन मिल सके और ईज़ के साथ साथ अफोर्डेबल वॉशिंग सोल्यूशन भी मिल सके. तो हमने जितनी भी हमारी टॉप लोडिंग और सेमी ऑटोमेटिक कैटेगरी है वो हमारी सारी लोकल मैन्युफैक्चर्ड है. और इसका जो मकसद था वो मैंने बताया कि
लोकलाइजेशन का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप आफ्टर सेल सर्विसेज को डील कर लेते हैं बड़ी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आप हैंडल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे सकते हैं जो आप, यानी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर की नीड है इनफैक्ट, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा आज हमारे शो पे आके। यस यार, वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और अभी हम ट्राई करेंगे। जी जी, जरूर आप खाइएगा, ट्राई करिएगा जरूर। टाइम टू एंड आवर शो। या तो नाज़रीन अब देंगे हमें इजाज़त, और मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ, तो देखना मत भूलिएगा। हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।